जाइको दयती छाया और ते लाला बड़ो अभिमान रीजी तिरौते के माया भैया रामवीर एक बात बता दें चाहे देवी हो या मृत्युलोक की नारी हो नारीन में जलन सब में होती है एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाली होती है नारी को किसी की बड़ाई अच्छी नहीं लगती अगर सुंदर नारी हो कोई प्रशंसा करे वो नारी बहुत सुंदर है तो दूसरी नारी जरूर कहेगी कि बाबू का सुंदर है नारी रामायण में भी कहा है कि मोहन नार नार के रूपा नारी नारी की प्रशंसा कभी नहीं सुन सकती जब पार्वती मैया ने कहा है तेरे लाला नारद को इतना घमंड हो गया है कहता है कि मैंने मोह माया काम तीनों जीत ले ब्रह्माणी मैया बोली आवंद भाई बाकी थूतरी के घूसन से तोड़ दूंगी इतने नारद में चैन नहीं पा रहा कि अपने पिता से कब अपनी बात बड़ाई करूं ए नारद चले हर साई लाला नारद मुनि हर साई चले ये कुलाई छड़क नहीं पीता छड़क नहीं पीता ब्रह्मा जी इनके पास आए गए और क्या बोले तुम सुनो पिता धरी ध्यान रे काम मैंने जीता ब्रह्मा जी इनके पास इधर में तो पार्वती ब्रह्माणी से कह रही इधर नारद जी ब्रह्मा जी इनके पास आए गए न तो नवन किया न प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने देखा लाला नारद हां पिताजी अरे तुम अब कैसे हो गए तपस्या करके तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई तुम न तो ये देख रहे कि मेरे पिता हैं ना तुमने प्रणाम किया ना नवन किया नारद जी हंस गए पिताजी प्रणाम मैं किसके लिए करूं अब तो 3300 कोट के देवताओं में मैंने उच्च स्थान पा लिया क्यों मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए ओ पिताजी अब तो मुझसे सब देवता बहुत नीचे स्थान पर रह गए ब्रह्मा क्या बोले रामवीर बोले ब्रह्मा जी सुने लाला बेटा बहुत अच्छी बात है कहता है कि मोह माया काम तीनों जीत ले लेकिन बेटा इसी प्रकार से हरि की माला जपते रहो तो किसी दिन इस उच्च स्थान पर तुम पहुंच जाओगे ओ जवाब दिया पिताजी क्या कहा हरि की माला हाँ अरे वो हरि तो मुझसे बहुत नीचे रहेगा मैं किसका जाप करूं नारद जी बोले जाए तो बहुत घमंड है जपते रहो हरि की माला लेकिन बेटा समझा रहा हूं कछुक दिना भगवान का भजन कर हरि की माला जप और जे उच्च स्थान पर तुम जरूर पहुंच जाओगे
नारद जी ने जवाब दिया, प्रताजी मैंने कई बार कह दिया, अरे वो हरि तो मुझसे बहुत नीचा रह गया, मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए। तब ब्रह्मा जी बोले, बेटा एक बात बताऊं, मोते कही सो तो कह दई, बा विष्णु ते ये वचन मत बोलना, नहीं तुझे बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। और नारद जी कहने लगे, पिताजी वैसे तो मुझे कुछ टाइम भी लगता, लेकिन अब बाहरी के ही पास जाऊंगा, अब मेरे में कोई कमी नहीं, मैंने एक कल्प तक तपस्या कर ली, मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए, क्या करेगा वो हरि। सुरामवीर भैया, नारद जी तेज ना है, नारायण हरि बोलते हुए क्षीर सागर में गए, जहां विष्णु भगवान नागशैया पर विराजमान थे। नारद जी सोच रहे, इसके लिए प्रणाम नहीं मुझे करना, इधर अंतर्यामी विष्णु भी समझ गए इसको घमंड है। तो विष्णु भगवान नागशैया पर करवट ले गए, जिधर से नारद जी आए रहे उधर को पीठ कर लाई। नारद जी क्षीर सागर में पहुंच गए, नमन करना चाहते नहीं, प्रणाम करना चाहते नहीं, खड़े हो गए कि जब मेरी तरफ ये देखें तो मेरे लिए नमन यही करें। लेकिन विष्णु भगवान तो अंतर्यामी थे, पीठ फेरे ही लेटे रहे, पाए खटकावत रहे, पीटत रहे। तब नारद जी की तरफ भगवान विष्णु ने मोड़ो फेरो, नारद जी सकुच गए। विष्णु भगवान ने न तो पूछा कुछ, इशारों करो कि बैठ जाओ नारद आसन पर। अब आसन पर बैठो चाहे नहीं, जी कहे कि जी मेरे मर्म ना समझ पाओ तो मैंने कैसो उच्च स्थान पा लो, यो ना कह रहो कि नाग सही पे बैठ जा। लेकिन नारद जी ने अपनी बात शुरू कर दी, महाराज अब मैं आसन के योग्य नहीं हूं, मैं सिंहासन के योग्य हूं। तो विष्णु भगवान बोले, कैसे? मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। विष्णु भगवान हंस गए। विष्णु भगवान बोले, नारद जी बहुत अच्छा है, मोह माया काम तो तुमने जीत लिए, लेकिन अभी तुम में थोड़ी सी कमी है। नारद जी कहने लगो, जी कमी तो ही कहूं पूरी ना है रही, चाहे मत जाऊं बेशक, एक कल्प तक तपस्या कर ली तो कमी रह गई। विष्णु भगवान बोले, थोड़ी सी कमी है, अगर नारद तुम मेरे साथ चलें तो यह कमी है पूरी करा दो। नारद जी सोचने लगे, चल का कमी है तय पूरी कराओ। विष्णु भगवान नागशैया से खड़े हो गए और नारद जी का हाथ पकड़ लिया और लेके चंदे। क्या किया विष्णु भगवान ने, थोड़ा नारद को आगे बढ़ा दिया और पीछे विष्णु भगवान होके ऐसे फूंक मारी। फूंक मार के क्या करो रामवीर भैया, के मायाति प्रभु ने, के मायाति प्रभु ने ताल बनो पाया के, मायाति प्रभु ने ताल खुद वायो के, गर्व के अभिमान के आहार करने वाले पे से खूब बच के नहीं जाता। विष्णु भगवान ने माया से एक सुंदर ताल खोद दिया। कैसा रामवीर, वहां की शोभा अजब निराली, वहां की शोभा अजब निराली, पक्की रोसर खुद रही डाली, नारद को प्रभु ने, ए नारद को प्रभु ने जालों में फंसाया है, माया से प्रभु ने ताल बनो। उसकी पार पे लेके नारद जी को पहुंच गए। नारद से कहा, नारद देखना ताल कैसा है। नारद जी कहने लगे, महाराज ताल तो बहुत सुंदर है,
तब विष्णु भगवान बोले, नारद जी इसके पानी को तो देखो कि पानी कैसा है, जल कैसा है इसका। जैसे ही नारद ने अंजलि में जल लाओ तो कहने लगे, नारद जी महाराज इसका जल तो अमृत के समान है। तब विष्णु भगवान बोले, हाँ नारद इसीलिए तो इस ताल में तुझे लेके आया हूं, इसमें अगर तुम स्नान कर लेंगे तो तुम्हारे सब दुख संकट दूर हो जाएंगे। क्या बोले विष्णु, हे नारद जा ताल की खूबी बताऊं। हाँ के त्यारे सकल विघ्न मिट जाए, मुनि जा जल के नहाए मिटे। भैया रामवीर विष्णु भगवान कहने लगे, नारद अगर जा ताल में तुम नहा लोगे सब दुख संकट तुम्हारे दूर।